हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आदि कृष्ण मेंटर्स। तो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इंस्टेंट डोसा रेसिपी। ये रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा आपको पूरी रेसिपी जानने के लिए। एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। देखिए, बैटर के लिए हमने लिया है उड़द का दाल और चावल। इसे हमने 6 से 7 घंटे अच्छे से पानी में भिगो कर रख दिया था। उसके बाद हमने इसे अच्छे से फ्रेश वाटर से 3-4 बार वॉश कर लिया है अच्छे से। गाइस, तो अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। गाइस, तो इसमें आपको थोड़ा सा वाटर डाल देना है ताकि ये अच्छे से बैटर के फॉर्म में तैयार हो जाए। हमने इसे अच्छे से पीस लिया और ये देखिए कितने अच्छे फॉर्म में ये बैटर के फॉर्म में तैयार हो गया है। गाइस, ये रेसिपी मेरी मम्मा बना रही है। ये मत समझना कि मैं इतने छोटे से बनाने लगी डोसा। मुझे सिर्फ मैगी बनाने आता है। जैसे हम समोसे की फिलिंग बनाते हैं वैसे ही आपको ये कर लेना है। सॉरी, मैंने इसको शूट नहीं किया कैसे बनाना है, क्योंकि वो थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा होने के चलते मैंने ऐसा किया। और यहाँ पर इसे हमने धनिया पत्ते यानी कि कोरिएंडर लीव्स से गार्निश कर दिया है। ठीक है गाइस, अब हम अब अपने तवे को हाई फ्लेम पर चढ़ा लेते हैं। इस टाइप से ये हमारा फिलिंग जो होगा डोसे का वो रेडी हो चुका है। अब हम इसे लो फ्लेम पे कर देते हैं। बैटर थोड़ी गाढ़ी थी तो हमने इसे पानी डालकर थोड़ा पतला कर लिया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छे से मिला लीजिए तो थोड़ी थिन हो जाएगी ये। कढ़ाई अच्छे से गर्म होने के बाद हमने इसे रिफाइंड से इस टाइप से कर दिया है ग्रीन। आयरन के तवे पे हम ये डोसा तैयार कर रहे हैं। इस टाइप से ग्रीस करने के बाद इसमें हम पानी का छींटा लगा देंगे। पानी के छींटे लगाने के बाद किसी भी आप कॉटन के कपड़े से इसे साफ कर दीजिए। अब हम अपना बैटर तैयार करते हैं। इसे हल्का हल्का कोने पे हम इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो गाइस, अभी हम इसे साइड से उखाड़ लेंगे और ये फिर अब हम इसे दूसरे साइड ऑयल से ग्रीस कर देंगे। अगर आपको मन है तो ही आप ग्रीस करिए, अगर बिना आप ग्रीस किए करेंगे तो हल्के ऑयल से भी ग्रीस करके आपका डोसा रेडी हो सकता है। अब हम 1 स्पून फिलिंग लेंगे और इसके बीचों बीच रख देंगे। इस टाइप से फैला लेंगे। या फिलिंग को हमने 3 स्पून लिया है, सॉरी। ये फिलिंग को इस टाइप से आप फैला लीजिए अपने हिसाब से फिलिंग डाल के। अभी इसे साइड से आप मोड़ दीजिए कुछ इस टाइप से और ये दूसरे साइड से। मेरा यहाँ दोनों साइड से अब डोसा सिक गया है, यानी कि हमारा रेडी है डोसा। इसे हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। अब वापस से हम ऑयल ग्रीस करेंगे और पानी का छींटा मारेंगे और कोई सा भी कपड़े से इसे हम पोंछ लेंगे। दूसरा भी सेम फर्स्ट वाले ट्रिक से हम इसे बना लेंगे। आप इसे दूसरे मेथड से भी फोल्ड कर सकते हैं। नॉर्मल जैसा हम सभी बनाते हैं वैसा हमने फोल्ड किया है। इसे हमने इस टाइप से फोल्ड कर दिया है। ये हो गया हमारा दूसरा मेथड। सो गाइस, ये हो गया 2 टाइप्स के मेथड वाले डोसा। एंड सर्व करने के लिए आप यहाँ पर हरी चटनी का यूज़ कर सकते हैं या फिर मार्केट बेस चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। सो गाइस, दैट इज़ फॉर टुडेज वीडियो। ट्राई करने वाले हो तो कमेंट में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।